Good evening, everyone. Welcome to Ansar Kare. Today we will do newspaper of twenty-third January. We will start with page number fifteen. Coming to the first article, it talks about the increase in biofuel. As India is the third largest energy consumer, based on increasing domestic oil gas exploration. The energy dependency on import is around 85 percent, and 50 percent of natural gas required. So, for India will achieve around 20 percent ethanol blending by 2025. India is also uh, promoting gas-based economy, green hydrogen, EVs, so that the dependency on the import bill reduces in the future. द नेक्स्ट आर्टिकल इज रिलेटेड टू द पी एम किसान तो अभी छह हजार साल भर में मिलता है टू लैंडेड फार्मर इट विल इट में इंक्रीज टू एट थाउजेंड रुपीज विच विल पुट एडिशनल बर्डन ऑफ ट्वेंटी टू थाउजेंड करोड़ द नेक्स्ट आर्टिकल इज ऑन पेज नंबर थर्टीन रिगार्डिंग द लेपर्ड टैंक तो लेपर्ड बहुत फेमस टैंक है जर्मनी का तो बस इसका ये जानना चाहिए और जो एम वन अब्राम टैंक है इट इज ऑफ यू एस इंडिया के तो टैंक का नाम क्या है अर्जुन देन नेक्स्ट आर्टिकल इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स इन विंटर एंड रबी क्रॉप तो कुछ डेटा पॉइंट है पहला है कि द रेनफॉल वॉज अराउंड थर्टी सेवन परसेंट बिलो द इंडिया एवरेज इन एंड डेफिसिट फाइव परसेंट दिसंबर तो उसके जो इंपैक्ट हुआ रबी क्रॉप पर तो ज्यादा हुआ दिस टाइम द फार्मर हैव ग्रोन अराउंड थ्री फोर्टी वन पॉइंट वन थ्री लाख हेक्टर वीट एज अगेंस्ट थर्टी थ्री थर्टी नाइन लाख हेक्टर उसके बाद बेसिकली आप कहना चाह रहे हैं कि सब जो क्रॉप है इट इज द प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग रिगार्डिंग अ मस्टर्ड चना द सेकेंड बिगेस्ट क्रॉप जो चना है The uh, sowing area has also increased. तो अगर यहाँ देखा जाइए अगर डेटा को तो पहला है कि नॉर्मल स्टॉक जो है इसका ग्रीन है और राइस का है इसका ब्लू है तो बेसिकली राइस ज़्यादा ग्रोन होता है वीट से तो ये पहला पॉइंट यही हो गया इंटरनेशनल प्राइस

बलभ्रदा एंड सिस्टर देवी सुभद्रा ओनली हिंदूज आर अलाउड इन साइड द स्ट्राइन टू ऑफ अ प्रेयर और नॉन हिंदूज है उसको अलाउड नहीं किया जाता है इवन द प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी वॉज नॉट अलाउड इन साइड द टेम्पल देन नेक्स्ट आर्टिकल इज चार्ज शीट एफ आई आर तो एफ आई आर और चार्जशीट में क्या फ़र्क है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एफ आई आर इज़ बेसिकली द फर्स्ट इंस्टेंस कोई भी जो पुलिस को इन्फॉर्म uh, करना पड़ता है तो फर्स्ट इंसडेंस पुलिस आर इन्फॉर्मड ऑफ कॉजनेबल ऑफेंस विच इज़ ए सीरियस ऑफेंस सच एज रेप मर्डर किडनेपिंग एक्सेट्रा वेदर एड्रेस्ट कैन बी मेड विदाउट बॉर इट इज़ नॉट टू इस्टेब्लिश अ प गिल्ट ये होता है रजिस्टर करना कहीं भी कुछ घटना घटे है रजिस्टर करो तो एफ करता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट उसके बाद जब सफिशिएंट एविडेंस दिया जाता है तभी जा के चार्ज शीट फाइल होता है बाय द पुलिस ऑफिसर तो चार्ज शीट इज़ अ फाइनल रिपोर्ट तो पहला एफ होता है उसके बाद से सफिशेंट एविडेंस और इन्वेस्टिगेशन के बाद चार्ज शीट किस पर चार्ज किया जाए इसको तो चार्ज शीट इज अ फाइनल रिपोर्ट ऑफ द पुलिस ऑफिसर अंडर 173 सेवेंटी थ्री सी आर पी सी इट कंटेन्स द नेम्स ऑफ द पार्टी नेचर ऑफ द इन्फॉर्मेंट डिटेल्स ऑफ द ऑफेंसेस एंड इट शुड से वेदर द एक्यूज इज अंडर अरेस्ट कस्टडी रिलीज और नॉट। तो जो टर्म है चार्जशीट एफ आई आर एफ आई आर मेंशन नहीं है आईपीसी में ना सीएनपी सी uh, में तो एफआईआर इज़ नॉट मैंशन एंड इट इज़ नॉट डिफाइंड सॉरी नॉट डिफाइंड मैं डिफाइंड नहीं है आईपीसी और सीआरपीसी में बट इट इज़ मेंशन इन रेगुलेशन पुलिस रेगुलेशन लेकिन जो चार्जशीट है इट इज़ मेंशनड और जो अभी हाल फिलहाल जो सुप्रीम कोर्ट का है जजमेंट इट इज इट हैज़ हेल्ड दैट चार्ज शीट इज इट इज नॉट अ पब्लिक डॉक्यूमेंट अलाउंग इट टू बी एक्सेस्ड फ्रीली इट विल वायोलेट द सी आर पी सी नाइनटीन सेवेंटी थ्री इट इज कॉम इट विल कॉम्प्रोमाइज द राइट्स ऑफ द एक्यूज विक्टम एंड द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज तो चार्ज शीट और एफ आई आर के बीच में डिफरेंस और सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग ये इम्पोर्टेंट है The next article is on page number twelve regarding the digital crop survey. The center is plans to launch the digital crop survey from Kharif 2023 season across ten states. It is using the geo referenced map for farmland plot and remote sensing images. It will be carried on as a pilot project in several states such as Andhra Pradesh, Karnataka, Madhya Pradesh, etc. जो ओल्ड मेथड है दैट इज पटवारी एजेंसी इट 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 विल बी ऑल्टरनेटिव टू ओल्ड मेथड इट विल यूज़ द जियो मैपिंग एंड ऑल्सो द रिमोट सेंसिंग इमेजेस उसे क्या होगा लैंड यूज इरीगेशन क्रॉप एरिया क्रॉप कितना यूरिया का यूजेज़ है वो पता चल सकता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग को यूज़ करके रियल टाइम डेटा पता पता लगा सकते हैं कि कितना इरिगेशन हुआ है कितना नहीं हुआ है साथ ही साथ कितना यूरिया चाहिए लोन रिकवरी में आसानी होगा क्रॉप क्रॉप शोन सर्वे आराम से किया जा सकेगा तो ये सब इसका बेनिफिट है सैटेलाइट डेटा फॉर रिमोट सेंसिंग सेंटर वो कहाँ से आते इट इज़ अंडर आई इसरो तो ये एक क्वेश्चन पूछ सकता है रिगार्डिंग द इंस्टीट्यूशन बेस्ड क्वेश्चन कि एन आर एन आर एस सी है वो किसके अंडर में तो इसरो के अंदर में देन नेक्स्ट आर्टिकल टॉकिंग अबाउट द रेलवे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉड्यूल अभी जो वेटिंग लिस्ट बहुत लंबा पीरियड को होता है इसको रिड्यूस करने के लिए रेलवे ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मदद लिया है इट विल यूज़ द सैंपल ऑफ डिफरेंट ट्रेन including the rajdhani and it will also use the time period that is 120 days time period and it will analyze and process and also will give out result to reduce the waiting list for the ticket the next article is talking is, is on page number 11 it, it is talking about the रिसेंट बजट एंड एक्सपेंडिचर फोरकास्ट तो ये आर्टिकल में कहना चाह रहा है कि सेवरल एरियाज इज़ वेरी इम्पोर्टेंट रिगार्डिंग द फिजिकल डिफिसिट, फिजिकल बजट एंड ऑल्सो द फिजिकल प्रूडेंस ऑफ द सेंटर स्टेट पहला है कि द बजट इज ग्रोथ एज पेड टू ग्रोथ ट्वेल्व परसेंट बट द इकोनॉमी ग्रू ओनली सिक्स पॉइंट टू परसेंट तो बजट को ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना चाहिए इस पर सवाल उठता है दूसरा देर इज़ अ वाइड डाइवर्जेंस बिटवीन द एस्टीमेशन एंड द रियल डेटा दूसरे के लिए डेटा एनालिटिक्स जो इंडिया में है डेटा एनालिसिस है डेटा कलेक्शन उसको और स्ट्रेंथन करना चाहिए उसके बाद जो फ्यूल फूड फर्टिलाइजर सब्सिडी है इट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग ईयर बाई ईयर द सेंट्रल टैक्स रेवेन्यू हैव सरपास द एक्सपेक्टेशन बट डेवल्यूशन स्टेट्स विल इंक्रीज बट द क्वांटम ऑफ ट्रांसफर फ्रॉम द स्टेट फ्रॉम द सेंटर टू द स्टेट इट नॉट इट इज नॉट इंक्रीजिंग ईयर बाई ईयर तो कितना बेसिकली कहना चाह रहा है कि कितना डेटा डेटा को यूज़ करना चाहिए और एक डेटा प्लेटफॉर्म ढंग से बनाना चाहिए ताकि आने वाले वक्त में एक अच्छा स्टैटिस्टिक्स बना सकें कि कितना फिजिकल डिफिसिट है फिजिकल मैनवरिंग कितना हो सकता है एक स्टेट का सेंटर का और साथ ही साथ कितना डेवलुशन ऑफ द स्कीम्स कर सकते हैं तभी जाके एक लॉन्ग टर्म फिजिकल मैप तैयार होगा फॉर द बजट देन नेक्स्ट आर्टिकल टॉक्स अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ रिड्यूसिंग द सब्सिडी एंड यूजिंग देम फॉर बेटर आउटकम एंड स्पेंडिंग मोर ऑन मॉडर्न स्किल्स पहला है कि फ्री फूड स्कीम है जो इंडिया में इट इज फीडिंग अराउंड एट हंड्रेड मिलियन पीपल अंडर एन एफ एस ए टू लाख ,00 करोड़ विल बी गिवन टू द फर्टिलाइजर सब्सिडी सिक्सटी थाउजेंड करोड़ विल बी गिवन टू दिसा पी एम किसान योजना सब्सिडी बिल विल बी अराउंड फाइव लाख करोड़ जस्ट इन एग्रीकल्चर फूड स्पेस फर्दर सब्सिडी विल बी इंक्रीजिंग इन अदर एरियाज मैनुफैक्चरिंग एरियाज ऑल्सो सच एज पी एल आई स्कीम तो रेवड़ी कल्चर है फ्री का बांटने का कहा पैसा तो उससे क्या होता है कि स्टेट पर और सेंटर पर एक दबाव आता है तो वो ज़्यादा ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकते अपार्ट फ्रॉम सब्सिडी तो इसमें बताना चाह रहा है कि देर इज नीड फॉर द रिव्यूइंग ऑफ द सब्सिडी कल्चर इन इंडिया एंड ऑल्सो द यूजिंग ऑफ दैट सेव मनी सेव फंड टूअर्ड द अदर नीड्स एजुकेशन हेल्थ एंड ऑल्सो द इम्प्रूविंग अप स्केलिंग of the workforce next article is related to the italy that is not very important next article is related to the wealth tax data point first is there is now one hundred sixty-six billionaire in India. It has risen from 106 in 2020. Top 30% accounts for 90% total wealth in India. Uske baad, report, Oxfam report. It says it argues that indirect taxes are regressive because indirect tax around 50% of the poor pays around 67% of the indirect tax. तो ये आर्टिकल कहना चाह रहे ये सही नहीं है ये, ये एक पर्सपेक्टिव है दूसरा पर्सपेक्टिव है कि ऑल्डो द टैक्स हैज बिन रिड्यूस्ड फॉर द कॉरपोरेट फ्रॉम थर्टी परसेंट ट्वेंटी फाइव परसेंट बट दे आर ऑफ द इनकम्स विच हैव बीन एग्जम्प्ट अंडर इनकम टैक्स स्कीम द करेंट इनकम टैक्स स्कीम एग्जेंट्स अराउंड फाइव लैख फ्रॉम टैक्स एंड जी एस टी स्ट्रक्चर तो उसे जरूरी नहीं है कि जो लोग हैं वो ज़्यादा टैक्स पे कर रहे हैं दे आर मच मोर इंक्लूडिंग द वेल्थ मिडिल क्लास दे आर ऑल्सो पेइंग द टैक्स दे नेक्स्ट आर्टिकल टॉक्स अबाउट द एस्पिरीशनल ब्लॉक प्रोग्राम पहले एस्परेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम था विच टारगेटेड द माइक्रो लेवल मैनेजमेंट एंड ऑल्सो द डिलीवरी ऑफ द स्कीम्स रिव्यूइंगस इंडिकेटर्स सोशल इंडिकेटर्स एट द डिस्टिक्ट लेवल तो उसी को बढ़ा करके अभी ब्लॉक लेवल कर दिया गया है तो इट हैजाराइव हंड्रेड ब्लॉक अराउंड ट्वेंटी इट विल इंक्लूड मॉनिटरिंग ऑफ फिफ्टीन सोशियो इकोमी इंडिकेटर्स हेल्थ न्यूट्रिशन एजुकेशन एग्रीकल्चर वाटर रिसोर्सेज एक्सेट्रा इट इज़ ए रियल टाइम बेसिस एंड ऑल्सो जो भी ब्लॉक का जो अपना एक मॉडल होगा इट विल बी नॉट बी रेप्लीकेटेड टू अदर ब्लॉक्स बट द सम इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ दैट ब्लॉक ऑफ दैट सक्सेस ऑफ दैट मॉडल विल बी यूज इन अदर ब्लॉक तो एक तरह से जन आंदोलन रहेगा तब जाकर के एक लास्ट माइल कनेक्टिविटी लास्ट माइल Uh, delivery of the schemes, grassroots level development, ho okay So next article talks about the taking down of the BBC documentary by the uh, center and also the taking down of several news portal by the PIB order. So draft amendment to the IT rules, it may threaten free speech online. It goes against the spirit of. फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल नाइनटीन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्यों क्योंकि पहला जो है पी जो है गवर्नमेंट एजेंसी है इट इज नॉट द गवर्नमेंट रोल टू प्ले प्लेटर उसके लिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है ही दूसरा श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इन इनवेस्ट टू जजेस स्ट्रक डाउन सिक्सटी सिक्स एफ आई टी एक्ट एज अनकॉन्स्टिट्यूशन Under Article 9, Nineteen Two of the Constitution, it does not refer to the truth or falsity of the statement. Further, the PIB job flagging of misinformation—it has been far from perfect. It say, it has shown from a several instances that the reports concerning notices issued by the state government, the police force, and intelligence bureau, the पी आई बी हैज़ फ्लैक्ड देम एस फेक न्यूज़ इट टर्नस आउट टू बी मिस्टेक एन जरूरी नहीं कि पी आई बी जो पी आई बी है इट इज नॉट द इंस्ट एजेंसी ऑफ द सोल ट्रूथ ट्रूथ डिसाइड करने के लिए मीडिया का फ्री होना बहुत जरूरी है और साथ ही साथ दे शुड भी फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द अमंग द सिटीजन एंड ऑल्सो द बिटवीन द सिटीजन एंड द मीडिया कंपनी मीडिया एंड द गवर्नमेंट उसके लिए जो आई टी रूल है जो नया आई टी रूल इट मे थ्रेटर द फ्री स्पीच ऑनलाइन द नेक्स्ट आर्टिकल टॉक्स अबाउट द स्टेट ऑफ इकोनॉमी रिपोर्ट बा आर बी आई पहला है कि जो रेपो रेट था इट हैज गॉन अप बाय ट्वेंट टू ट्वेंटी फाइव बेसिस पॉइंट फ्रॉम फोर परसेंट टू सिक्स पॉइंट टू फाइव परसेंट पहला है कि जो फिजिकल कंसोलिडेशन है इसको प्रोटाइज करना चाहिए बाय द सेंट्रल स्टेट उसके बाद कंट्री ऑफ फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को स्कीम्स को इसको प्रमोट करना चाहिए तो ओवरऑल माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड पॉलिसी क्रिलेबिलिटी शुड बी इम्पोर्टेंट दे नेक्स्ट आर्टिकल्स में पेज नंबर 9 रिलेटेड टू द पुराना किला पुराना किला द साइट हैज बिन एक्सकवेटेड विद सोस द ट्रेसिस ऑफ प्री मॉडर्न एरा सिक्स टू फोर्थ सेंचुरी बी सी टू द सुंगस कुशाना राजपूत मुगल्स एक्सेट्रा द साइट हैव गिवन वेरियस आर्टिफैक्ट सच तेरा कोटा बीड फिंगर इन कॉइन एक्सेट्रा जो पुराना किला है इट इज अंशियंट सेटलमेंट ऑफ इंद्रप्रस्थ और साथ ही साथ ऑन द बेसिस ऑफ पी जी डब्ल्यू दर्किटेक्ल आर्क्योलॉजिकली इट बिलोंग्स टू द ट्वेल्थ टू सिक्स सेंचुरी बी सी एस बी बी लाल हैड क्लेम्ड द पुराना किला इज द पांडवा किंगडम ऑफ इंद्रप्रस्थ तो पुराना किला को इसमें इम्पोर्टेंट क्यों क्योंकि पुराना किला इज बिंग प्रिपेयर फॉर द जी ट्वेंटी गेस्ट जो होने वाला है ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में द नेक्स्ट आर्टिकल इज ऑन पेज नंबर एट रिगार्डिंग द टॉक बिटवीन द डी जी पी एंड प्राइम मिनिस्टर तो इसमें दो पॉइंट है पहला है कि नेशनल डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क बट बिकम्स वेरी इजियर फॉर द डेटा एक्सचेंज अक्रॉस द एजेंसी दस शुड बी सीनर्जी बिटवीन स्टेट एंड सेंटर पुलिस और साथ ही साथ यूज़ ऑफ़ टेक्नोलॉजी इन स्प्रेडिंग ऑफ टेररिज्म इंक्रीज हो चुका है उसको टैकल करने के लिए साइबर सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और साथ ही साथ देश वुड भी अप स्किलिंग ऑफ द पुलिस फोर्स ट्रेनिंग तो वो जो पूरा मॉडल है फॉर द मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्स वो आगे करेंगे ट्वेंटी फोर्थ ऑफ जनवरी के जो पेज में एडिटोरियल है उस पर करेंगे द नेक्स्ट आर्टिकल इज ऑन पेज नंबर वन रिगार्डिंग द पी एम आवास योजना तो पी एम आवास योजना में जो प्रॉब्लम थी इस पर आर्टिकल ये लेकिन उससे इम्पोर्टेंट ये कि पी एम आवास योजना है क्या इट एम्स टू प्रोवाइड पक्का हाउसेज टू तो रूरल पुअर तो इस पर चलते हैं कि पी एम आवास योजना ग्रामीण इट इज अ सेंट्रल स्कीम इट प्रोवाइड्स इट एम्स टू प्रोवाइड पक्का हाउसेज ऑफ अराउंड टू पॉइंट नाइन फाइव करोड़ By 2024 March. The funds will be splitted at a ratio of 60-40 between Central and state. The beneficiary will be given 1.2 lakh rupees in the plain, 75,000 to 1.3 lakh in hilly areas. Eligible concurs? the household who have no shelter, Dushra household who have household which have zero or one or two room with kacha wall, kacha roof. मैनुअल स्कैंजर प्रेमेटिव ट्राइबल ग्रुप लीगली रिलीज बॉन्डेड लेबर एक्सेट्रा नॉट अवेलेबल कौन कौन है पहला है जिसके पास मोटर व्हीकल है फिशिंग बोट है किसान का रेट लिमिट फिफ्टी थाउजेंड है जिसके पास पक्का रूफ है पक्का वॉल है टेन थाउजेंड रुपीज़ महीना कमाते हैं प्रोफेशनल है रेफ्रिजरेटर है लैंडलाइन फोन है टू पॉइंट फाइव एकड़ जमीन है गवर्नमेंट एम्प्लॉ है एक्सेट्रा कैसे ये वर्क करता है पहला है कि ग्राम पंचायत थ्रू ग्राम सभा सेलेक्ट्स एंड फाइनलाइज वेटिंग लिस्ट ऑफ द एलिजिबल बेनिफिशरी अकॉर्डिंग टू द सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसेस टू थाउजेंड इलेवन द डिटेल्स आर देन अप्रूव्ड एंड देन द फंड इज सेंशन बाय सेंटर टू द स्टेट देन द स्टेट स्टेट एलोकेट्स द टारगेट टू द डिस्ट्रिक्ट Thank you.